मैं मोहम्मद साकिब लाइफ इन भिवंडी से, जैसे कि मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के सामने, और यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन पर आंदोलन करे हुए हैं। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आज किस वजह से धरना प्रदर्शन, आज कांग्रेस पार्टी के यहाँ जो इतने कार्यकर्ता हैं किस वजह से आज ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। तो सर जानकारी दीजिए कि आज का ये कांग्रेस का एक बड़े कांग्रेस के दल का जो मोर्चा धरना था सर, किस विषय में था और क्या कारण था? देखिए, आज का धरना आंदोलन जो हमारा था, कई रोज से हमारा चल रहा, तकरीबन एक महीना पहले हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर देकर दरख्वास्त की थी कि आपको हम 10-12 दिन का वक्त देते हैं, और इसमें कम से कम नया रोड, बारिश है नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम खड्ढे भरने का काम आप कीजिए। और ये पहला गणपति मैं अपनी लाइफ में 35 साल के राजकीय जीवन में देख रहा हूँ कि पहली गणपति में खड्ढे वैसे के वैसे ही रहे, और इसी खड्ढों के बीच में लोगों ने गणपति जैसा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है लोगों ने मनाया। लेकिन उसके बावजूद 8-10-12 दिन कोई भी काम नहीं हुआ। जो खड्ढे भरते थे वो मिट्टी में मिला के, कीचड़ में मिला के भरते थे। हमने उनसे फ़ोन करके कहा भी कि इस तरह से मिट्टी कचरे में मिला के अगर आप भरते हो वो सब निकल जाता है और कोई फायदा नहीं, म्यूनसिपल्टी का करोड़ों रुपये इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। सर देखा जाए तो हर बरसात के कारण यहाँ पर हर साल रोड के रास्ते खराब हो जाती है सर, वैसे में कांग्रेस के यहाँ पर 47 नगर सेवक है, उसके बावजूद ये रास्ते की हालत ऐसी है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस सब किसी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे NCP हो, चाहे शिवसेना हो, हर किसी को अगर खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से है। NCP ने पहले जो है हमारे 18 नगर सेवकों को पैसे के बल पे तोड़ के लेके गए। हम उनके खिलाफ, हम समाजवादी नहीं है कि हम पार्टी से निकाल दिए, नगर सेवक अपनी जगह कायम रहे। हमने पहली मर्तबा कोकण कमिश्नर के सामने केस दाखिल किया और सभी कॉरपोरेटर को डिस्क्वालीफाई करने का हमने पहले थे जब महापौर बैठा था। अभी जनता कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम पार्टी चुनकर देते हैं फिर महापौर बनाते समय आप लोग उनको नहीं टाइट कर पाते अपने नगर सेवकों को, जाते ऐसा कुछ नहीं है पहली मर्तबा। और ये खड्डे जो है आप बोल रहे हो कि पहली मर्तबा, ऐसा नहीं हुए, लेकिन इतनी ख़राब हालत जो है ना, मैं समझता हूँ कि इससे पहले शहर की इतनी ख़राब हालत नहीं थी। और कहीं ना कहीं से अपना काम कर रही है जनता, तो नगर सेवक चुनकर भी दी सबसे ज़्यादा सीट नगर सेवक। अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उसी पे। आज ये हालत है, हमारे 18 नगर सेवक जाने के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, 28-29 नगर सेवक आज हमारे इस कॉरपोरेशन में हो। ये रहा है हमारा गुस्सा इस पर भी है कि महापौर जो है या उनके लोग हमारे कॉरपोरेटर जाते हैं, उनका काम नहीं होता है। हालांकि जो जनरल बोर्ड में कोई उसको विरोध नहीं कर पाता, हमारे ही कॉरपोरेटर का जो ठहराव हुए काम है उस पर महापौर जो है, जो लोग गद्दारी करते हैं उनके ठहराव पे सही करती है, और जो हमारे नगर सेवक उनके ठहराव पे दस्तखत नहीं करती, जिसके जरिए के कमिश्नर जो ऑर्डर करके वर्क ऑर्डर इशू करे, इसकी शिकायत हमने ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को की है, हमारे सीनियर मिनिस्टर को की है, और हमने उससे कहा है कि कमिश्नर को बुला के एक क्लास में जाए। 47 नगर सेवक आपके थे और कई साल आपका मेयर भी था, तो आप धरना मोर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, ऐसा नहीं है। देखो, आज जो भी काम हो रहा है शहर में हमारा जो 2.5 साल में जो काम हुआ है, जो हमने काम पास किया है, जिसकी शुरुआत की है, जो प्रोसेस में है, आज ये एक काम बता देवे कि ये 2.5 साल में इन्होंने ये नया काम पास किया और ये काम हो रहा है, वही पीरियड का। ठीक है, प्रोसेस में कुछ 2 साल 2.5 साल 1 साल लगता है, वो प्रोसेस का ही काम आज भी शुरू हो रहा है। सर, भिवंडी की जनता ने 47 नगर आपको चुन के दिया, आपका महापौर नहीं बैठा, और आप भाई कांग्रेस पार्टी को आपको यहाँ धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए तो देखो, भिवंडी की जनता कांग्रेस को चाहने वाली है, और 18 नगर सेवक आपसे बगावत करे, हमारे 18 नगर सेवक बगावत करे, और इसीलिए हमने कोकण डिवीजन में केस दाखिल किया है। कोकण डिवीजन भी, कमिश्नर भी किसी न किसी दबाव के तहत उसमें जो आके तारीख दे रहा था, हमारे लोग जो है हाईकोर्ट में गए, और हाईकोर्ट ने उनको अब निर्देश दे दिया है कि आप 31 दिसंबर से पहले जो है इसका फैसला कर दें, और इंशाअल्लाह ताला इस जो मैं वकील भी हूँ, मुझको मालूम है कि इस केस में सिवाय डिस्क्वालिफिकेशन के दूसरा कोई फैसला आ नहीं सकता है, और इंशाअल्लाह ताला ये दिसंबर दूर की बात है, लेकिन उससे पहले ही 18 नगर सेवक के डिस्क्वालिफिकेशन का आएगा। हमारा इतना सख्त रवैया लेकर वो कॉरपोरेटर 18 हमारे पास आ रहे थे, वो चाहते थे कि हमको पार्टी माफ़ कर देवे,
जो सजा हमको देना चाहिए, यहाँ तक के डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद भी नगर सेवक जो है उसमें से कुछ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ले रहे हैं। अगर ये कड़क डिसीजन जल्दी आ जाता है तो उसमें सबसे बड़ा काम ये होगा कि आगे हम लोग जो जो कांग्रेस पार्टी से चुन के आएगा वो कांग्रेस पार्टी का और इस शहर का होगा। सर, जिस तरह से यहाँ पर आज महानगर पालिका में कांग्रेस द्वारा ताला मारने का कार्यक्रम किया गया, उसको पुलिस विभाग ने रोक दिया, सर क्या कहेंगे? देखिए, हमने अपना कार्यक्रम किया और आप लोग अगर उस गेट से जाओगे तो देख लोगे हमारे किसी नौजवान ने जाके काम किया। वो इस गेट के ऊपर पुलिस हमको रोक रही थी, हालांकि हमारे खासदार साहब हैं, हम हैं पूरी ताकत के साथ, हम बोल रहे थे कि हम अगर गैर कानूनी कर रहे हैं तो हमारे ऊपर केसेस भरिए, हमको अरेस्ट कीजिए। सर, जानकारी ये भी है कि कुछ 5 ही मिनट में वो ताला तोड़ दिया गया। अब जाने दो यार, अब 24 घंटा में वहाँ ये नहीं कर सकता पहरेदारी। अगर आगे 47 नगर से आपकी ज्यादा सीट आती है तो उसके बाद आपका महापौर होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह। देखो 47 आप पिछली तरह के आप एक बात सुन लो, आप एक बात सुन लो, 47 से कम भी आई ना तो महापौर जो है इंशाल्लाह ताला कांग्रेस का होगा, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस का होगा, ये मैं पूरी ताकत के साथ बोल रहा हूँ। मतलब बीओडी की जनता एक बार फिर कांग्रेस को भरोसा करे? बिल्कुल इंशाल्लाह, ये है भरोसा, है भरोसा। आप मिलिए ना, आप शहर में घूमिए, पब्लिक किस पर भरोसा? पब्लिक ने तो आपको मौका इससे पहले भी दिया था, पहले दिया था हमारे लोग जो, हम इसीलिए इतना सख्त रवैया इसीलिए अपनाए कि उनको अगर डिस्क्वालीफाई 6 साल तक, यानी ये इलेक्शन भी नहीं लड़े, अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सके, इतनी बड़ी सजा देने के बाद तो आगे कोई इसकी हिम्मत नहीं करे। देखा है भिवंडी में हर साल बारिश में ये खस्ता हाल होता है रोड का, तो ये अभी जो आप धरना मोर्चा कर रहे हो ये पब्लिक स्टैंड है इलेक्शन को देखते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, देखिए पिछले साल क्या आपने किया? पिछले साल मैं अक्टूबर में प्रेसिडेंट बना हूँ पार्टी का, अब पिछले साल ये साल जाने दो वो सब, उस टाइम लेकिन किए थे सब। सर, हम जो है ना, अगला कदम क्या होगा? देखो, मैं हम लोग ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पे इससे बड़ा आंदोलन, अगर दिवाली से पहले डामर का अच्छा रास्ता अगर पूरे शहर का नहीं बना तो इससे बड़ा आंदोलन जो है भिवंडी शहर में यहाँ पर होगा।